हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन द JEE स्मार्ट क्लासेस। शार्ट वीडियो सीरीज़ के 10th वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। और 3-4 दिनों से मैं वीडियोस नहीं डाल पा रहा था, क्योंकि सिलेक्शन पोस्ट के अंतर्गत जो MES JEE का पोस्ट है उसमें मेरा भी सिलेक्शन हुआ है। तो जो भी हमारे डॉक्यूमेंट थे उसी को कलेक्ट करने में लगा हुआ था, जो भी यहाँ भी थे, तो घर गया था, जिसके कारण मैं कोई भी वीडियोज़ नहीं डाल पाया हूँ। ठीक है, और अब कंटिन्यू रहेगा आपका वीडियो। जैसे पिछले वीडियोज़ में मैं आप लोगों को बताया था कि रिवेट क्या होती है, रिवेट के डायमीटर क्या होते हैं, होल डायमीटर क्या होता है, नॉमिनल डायमीटर क्या होता है, ग्रॉस डायमीटर क्या होता है, और क्लियरेंस क्या होती है, पिछले वीडियोस में मैंने पढ़ाया हुआ है। तो रिवेट और वोल्ट में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ठीक, तो उसी को हम जानेंगे आज। कि बोल्ट, मैंने पिछले वीडियोज़ में बोल्ट का भी क्वेश्चन लिया हुआ था, तो बोल्ट के ऊपर किस तरह से क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं, कौन कौन से क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं, वो मैं आप लोगों को बताऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, जो हमारे यहाँ रिवेट ही मैं दिखाया हुआ हूँ, रिवेट और वोल्ट में क्या डिफरेंस हो जाता है। यहाँ पर ग्रुप्स हो जाते हैं, बहुत सारे खांचे हो जाते हैं, ठीक है, थ्रेड्स हो जाते हैं। तो इन्हीं थ्रेड्स होते हैं, सब कुछ सेम रहता है। यहाँ पर जो थ्रेड्स होती हैं ये हो जाते हैं। ठीक, तो इसमें ये देखिए, होल जो येलो कलर में दिखाया गया, ये होल है। ठीक, और इसमें हम बोल्ट को इंटर कराते हैं। ठीक, तो यहाँ पर नॉमिनल डायमीटर ऑफ रिवेट लिखा हुआ है, तो यहाँ पर बोल्ट कर देंगे। ग्रॉस डायमीटर आप रिवेट लिया है तो यहाँ पर बोल्ट कर देंगे। तो अब ये हो जाएगा फाई नॉमिनल डायमीटर ऑफ बोल्ट और डी ग्रॉस डायमीटर ऑफ बोल्ट। ठीक, तो ग्रॉस डाया को ही होल का डायमीटर कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में आता है कि होल का डाया ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रॉस डायमीटर ही हमारी होल की डायमीटर होती है। ठीक, तो ये ध्यान रखेंगे आप। अब हम चलते हैं इसके एक्स, देखिए ये बोल्ट के ऊपर मैंने पूरा क्वेश्चन आज लिया हुआ है। ठीक, तो पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन कौन कौन सा है और किस तरीके से है। तो पिछली वीडियोस में मैंने ये क्वेश्चन पुटअप किया हुआ था, रखा हुआ था क्वेश्चन को, कि आप लोग कीजिए और रिप्लाई दीजिए। ठीक, तो यहाँ पर मैंने बोल्ट दिया हुआ है, पिछले क्वेश्चन में रिवेट था और इसमें अब बोल्ट दे दिया हुआ है। क्वेश्चन सेम है, सब कुछ सेम रहेगा, लेकिन आंसर आपका डिफरेंस हो जाता है बोल्ट और रिवेट के केस में। ठीक, तो हम बोल्ट पढ़ रहे हैं, तो बोल्ट को देखेंगे, ये क्वेश्चन है, इसका रिप्लाई आप लोग देंगे कौन सा करेक्ट होगा। ठीक है, अभी मैं इसका एक्सप्लेनेशन कर दूंगा, इसका भी रिप्लाई आप लोग देंगे कि कौन सा करेक्ट होगा। अब मैं चलता हूँ पहले एक्सप्लेनेशन पर, कि इसका एक्सप्लेनेशन क्या कहता है। जैसे देखिए, इसमें हमें तीन बातें ध्यान रखनी होती है, हमें तीन डेटा को ध्यान रखना पड़ता है। एक होता है हमारा 1 mm, एक होता है हमारा 2 mm और एक होता है हमारा 3 mm। तो तीन डेटा आपको लर्न करने पड़ेंगे इसमें। उसमें केवल दो डेटा थे, किसमें, रिवेट में केवल दो डेटा थे, एक 1.5 mm था, 1.5 mm था, और एक हमारा 2 mm था। किसमें, ये बोल्ट, ये रिवेट के केस में था, लेकिन बोल्ट के केस में हमें 1 mm लर्न करना है, 2 mm लर्न करना है, 3 mm। तो 1 mm कब होगा, 2 mm कब होगा, और 3 mm कब होगा, उसको जानने का प्रयास करते हैं। तो देखिए यहाँ पर, इफ डायमीटर ऑफ बोल्ट, मतलब अगर हमारा बोल्ट का डायमीटर अगर 12 से, मतलब फाई की वैल्यू 12 से 14 mm तक होती है, तो हम नॉमिनल डायमीटर, इसी को नॉमिनल डायमीटर को ही हम क्या कहते हैं, बोल्ट का डायमीटर कहते हैं। ठीक, नॉमिनल डायमीटर को ही हम बोल्ट का डायमीटर ऑफ बोल्ट कहते हैं। तो डायमीटर ऑफ बोल्ट में 1 mm का इंक्रीज करेंगे, ये 1 mm बढ़ाएंगे, तो हमें ग्रॉस डायमीटर या होल का डायमीटर प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो ग्रॉस डायमीटर को होल का डायमीटर कहते हैं, नॉमिनल डायमीटर को बोल्ट का डायमीटर कहते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ दूसरा हमारा कह रहा है कि अगर 16 mm से 24 mm बोल्ट की डायमीटर दी गई है, यानी कि नॉमिनल डायमीटर दी गई है, तो हमें ग्रॉस डायमीटर कितना लेना पड़ेगा, यानी होल का डायमीटर कितना लेना पड़ेगा, तो 2 mm का इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक, तो नॉमिनल डायमीटर जो भी है 16 से 24 mm तक, उसमें हम 2 mm का इंक्रीज करेंगे। अगर 16 mm है तो 2 mm का इंक्रीज करके 18 mm या 18 mm का कर देंगे। अगर 24 mm का है, यानी 24 mm का है, तो उसमें 2 mm इंक्रीज करके 26 mm का कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये दूसरा क्वेश्चन, दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट हमें लर्न करना है कि इफ डायमीटर ऑफ बोल्ट इज ग्रेटर देन 25 mm, अगर 24 mm से अधिक की डायमीटर हमारी बोल्ट की हो जाती है, तो हमें ग्रॉस डायमीटर या होल का डायमीटर कितना लेना पड़ता है। तो जो नॉमिनल डायमीटर यानी कि बोल्ट की डायमीटर होती है, उसमें 3 mm का इंक्रीज करना पड़ता है। ठीक है, तो यही तीन पॉइंट आपको लर्न करने हैं, और कई बार एग्जाम में पुटअप किया गया है। और एक स्टूडेंट्स का व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप ग्रुप जो बना हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें ज्वाइन कर लीजिए। उसमें कई लोग क्वेश्चन पूछते रहते हैं। तो एक स्टूडेंट का क्वेश्चन ये आया था कि 12 mm, वो किसी नोट्स को रेफरेंस मान करके क्वेश्चन पुटअप किया हुआ था हमसे, और स्क्रीनशॉट भी वो स्टूडेंट्स भेजा। ठीक, तो नहीं, ये वो गलत था, वो जो नोट्स है, तो यही आपके होने वाले हैं, 12 से 14 mm, 16 से 24 mm और ग्रेटर देन, ओवर देन, ठीक,
24 mm ये होता है, तो आपके 1 mm, 2 mm और 3 mm का इंक्रीज होने वाला है। किसके लिए? ग्रॉस डायमीटर के लिए, ठीक है। किसमें इंक्रीज करते हैं? नॉमिनल डायमीटर को बढ़ाते हैं हम, ठीक। तो ये हो गया। अब हम चलते हैं, इसका क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यहाँ देखिए 36 mm, 36 mm व्यास के बोल्ट, बोल्ट मतलब व्यास के बोल्ट मतलब क्या हो गया, बोल्ट का डायमीटर आप बोल्ट कह दिया, तो डायमीटर आप बोल्ट यानी कि फाई की वैल्यू आपकी क्या दी हुई है, 36 mm दी हुई है। और मैंने अभी बताया था कि अगर 24 ग्रेटर देन 24 mm हो जाता है तो हमें क्या करना है, कितना इंक्रीज करना पड़ता है, 3 mm का इंक्रीज करना पड़ता है, ठीक। तो 36 into 36 + 3, ठीक। तो यहाँ देखिए कोई भी ऑप्शन सही नहीं है इसमें, ठीक है। तो कौन सा कितना, अब बहुत से लोग कमेंट भी कर देंगे कि 38 38 38, नहीं ये बोल्ट का क्वेश्चन है, रिवेट का अगर रहता तो 36 में 2 का इंक्रीज करते, लेकिन ये बोल्ट का क्वेश्चन बन जाने के कारण इसमें 3 mm का इंक्रीज होगा और इसका ऑप्शन 39 mm होगा ये, ठीक। तो 39 mm इसका आंसर होगा, ठीक है, इसमें से कोई भी आंसर नहीं होगा, ठीक। तो इसीलिए इसको क्वेश्चन को दिया गया है कि आप लोग, बहुत से लोग गलत कमेंट कर देते हैं, गलत रिप्लाई दे देते हैं, ठीक है। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा, रिवेट का क्वेश्चन है या बोल्ट का क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, इफ डायमीटर ऑफ बोल्ट, डायमीटर ऑफ द बोल्ट इज लेस देन आर इक्वल टू 24 mm, तो मैंने अभी क्या बताया है, अगर 16 से 24 mm तक है तो वही तो कह रहा है, लेस देन आर इक्वल टू मतलब 24 mm से कम है हो और 24 mm के बराबर हो तो हम कितना डायमीटर लेंगे, ग्रॉस डायमीटर लेंगे। तो हमारा क्या कह रहे हैं, अभी हम देखिए, एक तो 1 mm था पहला, दूसरा 2 mm था, तीसरा 3 mm था, 3 mm कब लेते थे, जब 24 mm से ज़्यादा होता था, जो 24 mm से कम होता था तो हम 2 mm का इंक्रीज करते थे। तो ये ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 2 mm का इंक्रीज करेंगे, ठीक है, बोल्ट के केस में। अगर लेकिन यही रिवेट का क्वेश्चन होता तो 1.5 mm का इंक्रीज करते, क्योंकि उसमें लेस देन 25 mm होता है। तो हम बोल्ट का क्वेश्चन कर रहे हैं तो बोल्ट पर 2 mm का इंक्रीज करेंगे, नॉमिनल डायमीटर में 2 mm का इंक्रीज। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।